मैं दरख्वास्त करूंगी लॉर्ड नजीर अहमद साहब से कि वो अपने मेलबर्न फैलाद से मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मियां इफ्तिखार साहब को यहाँ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वेलकम करता हूँ। दिस इज योर फर्स्ट विजिट एंड आई होप दैट यू विल विजिट अस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। आई जस्ट वांट टू सेड टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु जस्ट कम इन टू द मीटिंग, मैरी लिकनम एंड अदर्स एट द बैक, दैट the next meeting will start just after 6 o'clock, because we have a monthly debate that we have for society outreach, which is today is on women against violence and terrorism, engaging in dialogue and diplomacy. And next month, for those of you who are here, we have a debate on Pakistan, which is on Human Rights Watch report, which was Cruel Britannia, and whether Britain was complicit in torture of British citizens in Pakistan. And I have to say that these are allegations, very serious allegations, which I have reported to Metropolitan Police in relation to 14 people who have been found that they were tortured in Pakistan when Musharraf was president. And therefore, there's a clear link between, and that's according to international reports and also British courts that have heard the evidence. So that's next month, but let me just come back to the topic today. एक तो मैं पाकिस्तान प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये opportunity provide की, और यहाँ पे काफी दोस्तों को मैं पहली बार देख रहा हूँ, और उन सबको भी वेलकम करना चाहता हूँ, और जो मेहमान मियाँ साहब के साथ पाकिस्तान से आए हैं मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। तालिबान चैलेंज और चैलेंजर्स फॉर पाकिस्तान, एक्चुअली बहुत सारी बातें हुई हैं। समटाइम्स मुझे हैरत ये बात इसकी होती है कि हम रिसर्च नहीं करते कि तालिबान कहाँ से आए हैं, कौन है, और हेयर से पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और हेयर से पे, और बस वो क्लीशे बना चुके हैं कि वो किस तरह है, क्या है, तालिबान का रोल कहाँ से शुरू हुआ। सोवियत यूनियन के बाद वो उस वक्त तो जो है वो आपके नॉर्दर्न अलायंस वाले थे, नॉर्दर्न अलायंस ने कंट्रोल किया, तालिबान बने, तालिबान ने उनको वहां से जो है निकाला। खैर ये अफगानिस्तान की बात है, बट आई थिंक जो पाकिस्तान के लिए चैलेंज है वो ये है कि मियां साहब हमें बेहतर बता सकेंगे, बिकॉज यू आर फ्रॉम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तारीख़े तालिबान जब मुशर्रफ आए उस वक्त नहीं थे, शहीन फोर्स हमने नहीं सुनी हुई थी। आपको अगर पता है तो आप हमें बताएं कि शहीन फोर्स और तारीख़े तालिबान और मौलाना फजलुल्लाह और सूफी मोहम्मद उस वक्त क्या पावरफुल थे, या ये इनके दौर में आए और वो कौन लाया। लेकिन हमारे लिए जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो कि ये इनको फंड कौन करता है, इनको ट्रेन कौन करता है, इनको सप्लाई कौन करता है, एंड दैट्स द रियल इश्यूज, कि उनको सपोर्ट कहां से, लॉजिस्टिक सपोर्ट कहां से मिल रही है। और मेरे भाई जकरिया साहब जो है ना, उन्होंने बात एज अ पाकिस्तानी डिप्लोमैट एंड सिविल सर्वेंट में इनकी बात जो है उसको रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह कि इन रियालिटी आप जितना भी I meet with many diplomats, पाकिस्तानी जो कहते हैं कि डिसमिस कर देते हैं कि ये कोई कंसर्न नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मुझे ओथ पे अगर कहें, I just come back from the United States of America, वहां पे कांग्रेसमैन माइक क्विगली से मेरी मुलाकात हुई, जो डेमोक्रेट है, वो उसका जो प्रीडेसेसर जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ, just come in, वो चीफ ऑफ स्टाफ है व्हाइट हाउस के अंदर, और क्विकली मुझे ये कह रहा है कि लॉर्ड अहमद, मैं तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से उसके पास गया था और वो उसके साथ बात करेंगे, लेकिन वो कह रहा है पाकिस्तान के बारे में भी मुझे बताओ, क्योंकि जो कार्नेगी विल्सन वुडरो दूसरे जितने भी IISS जितनी भी ब्रीफिंग हमें मिलती है वो ये कि पाकिस्तान को अगर हम छोड़े, अगर अमेरिका ड्रोन अटैक्स और ये सारा कुछ ना करे, तो जो तालिबान है, जो टेररिस्ट अलकायदा है, वो पाकिस्तान को तोड़ के वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर ले। That's a reality. मैंने उसको कहा कि दिस इज नॉनसेंस, दिस इज रबिश,
लेकिन एक्चुअल बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं यहां पे अगर कहें कि पाकिस्तान इंशाल्लाह रहेगा और पाकिस्तान को कोई वो सारे तालियां लगाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि लोग डर रहे हैं। वेस्ट में जो परसेप्शन है वो ये है कि हर गाड़ी वाला और हर पगड़ी वाला वो तालिबान है और वही अलकायदा है। परसेप्शन ये है कि माइंड ना करना सर, जो पुश्तो बोलने वाला शायद वो सारे से सिंपथाइजर है और उसमें जो दाढ़ी वाले लॉर्ड नजीर साहब है वो भी ऐसे ही है। उनको बताना पड़ता है कि भाई ये जो बात है वो एएनपी वाले जो है वो उनकी तो शुरू से उनके साथ जंग है। और फिर सच्ची बात ये है कि जिहाद, यहां पे नशारी साहब चले गए, मैं उनको बताता कि जिहाद जो है इज द मोस्ट होलीएस्ट वर्ड इन इस्लाम, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। और स्ट्रगल फॉर जस्टिस को जनाब आपने गंदा करके जनाब वो जो टेररिस्ट हैं उनके साथ मिला दिया, जो इनसेंट लोगों को मारते हैं। सो आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मेरी मीटिंग वाले दूसरे लोग जो है वो बाहर आने शुरू हो गए। मैं इसी अपॉर्चुनिटी ये टेक करना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने लोगों ने तकरीरें की हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इन पर्टिकुलर मियां इफ्तिखार साहब का कि यू कम हियर, सर यू आर मोस्ट वेलकम एंड वी रियली ऑट टू लिसन टू यू रादर देन मेकिंग स्पीचेस एंड टेलिंग यू। मुझे अमूमन मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो लोग मुझे बताते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या होता है, और मैं अगर आपको बताऊं कि आपके प्रोविंस में क्या होता है तो मेरे ख्याल में मेरे जैसा भी कोई जाहिल आदमी ना होगा। तो इसलिए वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच।